हेलो फ्रेंड्स, तो यहाँ पे फाइनली इंस्टीट्यूट ने 4 अगस्त 2020 को जो अपना नोटिफिकेशन है वो इश्यू कर दिया है रिलेटेड टू एग्जामिनेशन ऑफ इंटर एंड फाइनल। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता था कि अगर आप इंटरमीडिएट के बोथ ग्रुप अब्स टुगेदर देना चाहते हैं तो मैंने इसके लिए डेडिकेटेड वीडियो बनाया कि हाउ टू प्रिपेयर, तो जिसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा तो वो आप देख सकते हैं वहाँ पर। तो यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने बताया कि जो जून 2020 अटैम्प्ट की जो सेप्टेम्बर में एग्जाम थी वो अब डिसंबर 2020 में होगी और मर्ज हो जाएगी डिसंबर अटैम्प्ट में। और बताया कि आपकी जो एग्ज़ाम 1 से 10 सितंबर के बीच शेड्यूल थी वो ड्यू टू कोरोना वायरस अब वो मर्ज हो गई है डिसंबर 2020 अटैम्प्ट में। अगर आपका कोई भी बेनिफिट होगा लाइक फीस आपने पे की थी, एग्जामेशन था, वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, तो उसके लिए आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे बताया कि कोई जो भी शेड्यूल होगा एग्जामिनेशन का वो आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा, कुछ ही दिनों में अवेलेबल कराया जाएगा। उसके बाद जो भी आपने अगर आप सिंगल ग्रुप देना चाहते थे और आप अब भी सिंगल ग्रुप देना चाहते हैं तो आपको कोई भी फिर से आपको अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आप सिंगल ग्रुप देना पहले सिंगल ग्रुप के लिए अप्लाई किया था, अब आप बोथ ग्रुप देना चाहते तो आपको जो डिफरेंशियल फीस पे करनी होगी फॉर इंटरमीडिएट 1200 एंड फॉर फाइनल 1400, वो आपको पे करके फिर से अप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे अगर आप पहले आपने जून 2020 अटेम्प्ट के लिए अप्लाई ही नहीं किया था, अब आप दिसंबर में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको फिर से फ्रेश एप्लीकेशन फाइल करनी होगी। और अगर आप कोई भी आपकी क्वेरी है तो इस ईमेल पे आप ईमेल कर सकते हैं अपना कंसर्न। तो आई होप कि आपको नोटिफिकेशन के बारे में पता चल गया होगा। तो मैं फिर से बताना चाहता हूँ कि अगर आप इंटरमीडिएट के बोथ ग्रुप देना चाहते हैं तो मैंने इसके लिए डेडिकेटेड वीडियो बनाया जिसके आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वहाँ से सीधा देख सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग, स्टे ट्यून्ड विथ अस एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच। हेलो फ्रेंड्स, तो यहाँ पे जो फाउंडेशन के लिए जो हमने एक्सपेक्ट किया था वही हुआ और आपका जो एग्ज़ाम होगी वो ऑनलाइन होगी। आप अपने घर से ही अब ऑनलाइन एग्ज़ाम दे सकते हैं थ्रू अपने मोबाइल, लैपटॉप, डेस्कटॉप एंड टैब से भी। तो आपकी जो एग्ज़ाम होगी वो कैसे होगी, तो आपको ईच पेपर में 50 MCQ मिलेंगे जिसका मार्क्स होंगे ईच MCQ का 2, तो मीन्स आपका जो पेपर होगा वो 100 मार्क्स का होगा। और आपको सिर्फ एक ही दिन एग्ज़ाम देनी है, दैट इज 6 सितंबर। आपका जो सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक दो पेपर होंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2, जिसमें 200 मार्क्स होंगे। उसके बाद आपको थोड़ा रेस्ट मिलेगा बीच में 2 आवर्स का। उसके बाद 2 to 4 आपको फिर से पेपर देने हैं जो पेपर 3 एंड पेपर 4 होंगे। आपको उसमें भी 50-50 MCQ मिलेंगे, 1 MCQ का 2 मार्क्स होगा। तो यहाँ पे कुछ क्लेरिफिकेशन भी इंस्टीट्यूट ने दिया है कि जो ईच पेपर 100 मार्क्स का होगा जिसमें 50 MCQ होंगे, ईच MCQ विल कंटेन 2 मार्क्स, ईच सेशन विल बी टोटल ऑफ 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑफ 200 मार्क्स। मीन्स पेपर 1 एंड 2 का जो एग्ज़ाम होगा वो 10 से 12 होगा, दोनों का 200 MCQ होंगे, 200 मार्क्स के MCQ जिसमें 100 MCQ होंगे। और भी यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने जो कुछ क्लेरिफिकेशन दिया है जिसकी ये जो लिंक है मैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दूंगा, तो आप सीधा वहाँ से देख सकते हैं। आई होप कि आपका जो डाउट था वो क्लियर हो गया है। तो आप अपने MCQ बेस अब प्रिपरेशन करनी होगी, तो आप मेरे हिसाब से मैंने एक सजेशन दिया था कि आप अपना स्कैनर पूरा कर सकते हैं। मीन्स आपको स्कैनर कहाँ से ऑर्डर करना है तो वो भी मैं आपको मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर देना, मैं आपको बता दूंगा। तो ऑल द बेस्ट फाउंडेशन स्टूडेंट, कीप लर्निंग एंड कीप स्टडिंग। थैंक यू वेरी मच।